कि कोई कितना भी हमें कुछ भी कर ले मगर हम सब एक हैं और हम सब एक होके आज हम इस यात्रा को निकाल के पूरे विश्व को ये संदेश देंगे कि जहांगीरपुरी की जनता एक है, मिलजुल कर रहेगी और हमेशा मिलजुल कर अपनी जहांगीरपुरी के विकास के लिए सिर्फ कार्य करेगी। यहाँ पर किसी तरह के सौहार्द को बिगाड़ने वाले किसी भी तरह के ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है जो यहाँ पर दोनों पक्षों को बांटने की कोशिश करेगा। आज की यात्रा का जो उद्देश्य था वो ये था कि जहांगीरपुरी के अंदर अमन चैन बना रहे और जो भाईचारे का पैगाम है वो लोगों तक पहुंचा है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरीके से लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया है। तो हम धन्यवाद करते हैं उन सभी लोगों का जिसने इस यात्रा के अंदर अपना अपना योगदान दिया है। एक घटना तो 16 को हुई जिसमें हिंसा हुई थी, उसके बाद जिस तरह रोजगार को लोग हमला हुए, यहाँ अधिकतर आबादी जो है वो रोजी रोटी कमाने वाली है, उसके बाद ये हालात जिस तरह पाबंदियाँ हैं रोजगार पर, सर आप चाहते हैं पाबंदी थोड़ी सी कम? हाँ, जिस तरीके से लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं, ईद का भी समय है, लोगों ने बहुत सारा सामान अपनी दुकान में भर रखा है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से जल्द पाबंदियाँ हटें और इसके अंदर हम ना मीडिया का योगदान चाहते हैं, जितना मीडिया पॉजिटिव दिखाएगा उतनी जल्दी यहाँ से ये सारी पाबंदियाँ हट जाएंगी। एक संदेश क्या देना चाहेंगे? सभी भाई आपस में मिलजुल कर रहें और किसी भी तरह की अफवाह पर कोई यकीन ना करें। और एक संदेश और है कि जिस तरीके से हम लोग की रैलियाँ निकलती हैं, चाहे मुहर्रम हो या रामनवमी का जुलूस हो या क्या कहते हैं हनुमान जयंती हो, कोई भी हो, चाहे मुस्लिम की हो यात्रा या हिंदू की हो, उसमें जो ये हथियारों का नुमाइश किया जाता है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं बैन करें उसको और उसके बाद में सब लोगों के हाथों में तिरंगे झंडे होने चाहिए, तो आप देखेंगे हिंदुस्तान की तस्वीर ही चेंज हो जाएगी। उस दिन की दुर्घटना तो बहुत खतरनाक थी, बाकी आज ये सब प्रेम से सुख शांति से है। आज की यात्रा में आपने क्या देखा? दोनों लोग समुदाय के शांति चाहते हैं सब। अभी उसके बाद लगता है माहौल जो थोड़ा तनाव था वो ठीक होगा? हाँ, ठीक हो जाएगा बिल्कुल, उम्मीद तो बिल्कुल ऐसी लग रही है ठीक होने की। वो कोई करोड़पति तो है नहीं है जो घर में बैठ के खाएंगे, हम सब मजदूर आदमी हैं, कमाएंगे तो खाएंगे। तो अभी जैसे काम वाम भी रुका होगा? सब परेशान है, आटा भी नहीं है घर में, दुखी हैं, अब जाएंगे कमाएंगे तो खाएंगे, इसीलिए शांति जरूरी है। हाँ, शांति जरूरी है। मेरा सूरजकांत शुक्ला है जी, आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। 14-15 साल मेरे को जहांगीरपुरी में हो गए, पहली मैंने कभी भी ऐसी घटना नहीं देखी। कुछ किसी भी तरह हो गई है, वो प्रशासन का काम है जो अपना जांच पड़ताल करती रहेगी, लेकिन आज का जो माहौल देखा गया बहुत मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अनुभव किया गया है। सुख शांति हो जाएगी मेरे हिसाब से माहौल, जो है मार्केट वर्केट खुल गई है, कोई टेंशन नहीं है। मान लो इसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, रेडी पटरी वालों का। हाँ जी, हाँ जी, एक घटना तो वो हुई, चलो हाँ जी, हाँ जी, उस बात जो रोजगार पर हमला हुआ उसको आप यहाँ पे देखो जी, रेडी पटरी वाले ज्यादा है, रोज कमाने वाले रोज खाने वाले, थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे, लेकिन कोई घटना हो जाती है देखो थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, देखो इसमें तो थोड़ा सा सच्चाई तो है, देखो थोड़ा झेलना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या लग रहा है जो आज यात्रा? बिल्कुल सब शांति है, सब चाहते भी शांति है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब पुलिस फोर्स जितनी तादाद में चाहिए, पुलिस फोर्स थोड़ा सा हाँ कम हो जाएगी, हो भी जाएगी कम, देख लेना, पहले मार्केट नहीं खुल रही थी, कल से परसों से मार्केट खुल रही है, उधर का मामला खुल गया, यहाँ थोड़ा सा है अभी हल्का सा, यहाँ भी खुल जाएगा सब कुछ। रोजगार को लेकर थोड़ा, हाँ रोजगार देखो जी, यहाँ रोज कमाने वाले रोज खाने वाले आदमी ज्यादा है, कोई कपड़े का काम कर रहा है, कोई कैसे काम कर रहा है, रेडी लगा रहा है, कोई पटरी लगा रहा है, तो थोड़ी सी है दिक्कत रोज थोड़ी सी। आपको इससे पहले कभी यहाँ तनाव? मैंने कभी नहीं देखा जी, 40 साल को मैं भी 40 साल हो गया आसपास के एरिया में रहते हुए, 40 साल में कभी मैंने यहाँ पे आपस में मन मुटाव नहीं देखा। देखो ईद पे जाते हैं हम भाई के जाते हैं, ये हमारे रफीक भाई है, रोज उठना बैठना हमारा, इस कंडीशन में भी हम उठ बैठ रहे थे, ये नहीं कि भाई आज ही बात है, 16 तारीख के बाद भी हमारा उठना बैठना रोज का था, हाल चाल लेते रहते, लेकिन भाई थोड़ा सा प्रशासन का भाई सकता ही है, थोड़ा सा आना जाना कम किया गया।